सो आई होप कि आप सभी का इंटरव्यू बहुत अच्छा गया होगा, आपने अच्छा करा होगा। और अभी भी बहुत सारे जोन ऐसे हैं जहां पे इंटरव्यू शेड्यूल होना बाकी है, और आई थिंक कि बेंगलुरु जोन का सबसे लास्ट तक है 16 अक्टूबर तक, उसके बाद से किसी का नहीं है। अगर किसी का है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हरियाणा जोन का भी अभी बाकी था, वहां भी अभी शेड्यूल नहीं हुआ था, अभी पता नहीं शेड्यूल हुआ है कि नहीं हुआ है, आपको मेल के थ्रू पता चल गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि रिजल्ट कब तक प्रिपेयर हो सकता है, और सबसे पहले रिजल्ट किसका आएगा, सिक्योरिटी असिस्टेंट का या एमटीएस का। तो आपको बता दें कि जो सबसे पहले रिजल्ट तैयार होगा वो होगा सिक्योरिटी असिस्टेंट का, और उसके बाद एमटीएस का रिजल्ट प्रिपेयर होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जो फॉर्म फिल करते टाइम में दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई किए थे, सिक्योरिटी असिस्टेंट और एमटीएस दोनों के लिए, तो सबसे पहले उनको चांस दिया जाएगा सिक्योरिटी असिस्टेंट में। अगर वहां उनका मेरिट नहीं बनता है तो फिर उनको चांस मिलेगा एमटीएस में। इसलिए सबसे पहले रिजल्ट बनेगा सिक्योरिटी असिस्टेंट का और उसके बाद एमटीएस का। रिजल्ट प्रिपेयर दो करने हैं इसलिए इनको टाइम लगेगा, तो लास्ट जिस दिन इंटरव्यू होना है उसके बाद से कम 2.5 से 3 महीने का टाइम वो लोग लेंगे आपके रिजल्ट को प्रिपेयर करने में, सिक्योरिटी असिस्टेंट का अलग और एमटीएस का अलग। तो आप थोड़ा पेशेंस रखिए, 16 अक्टूबर के बाद, अगर 16 अक्टूबर को लास्ट इंटरव्यू है तो उसके 2.5 से 3 महीने के बाद ही आपको अपना रिजल्ट देखने को मिलेगा, उसके पहले आपको अपना रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। बाकी जिनका भी इंटरव्यू है आपके पास बहुत अच्छा मौका है, अपना बेस्ट दीजिए वहां पे, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। चैनल पे नए हैं तो किसी अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।